जय महाकाल, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुनील नामिछाने ब्लॉग में। तो आज की जर्नी होने वाली है दिल्ली से उज्जैन की महाकाल की नगरी में। तो सारी की सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। और जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं वो है इंदौर एक्सप्रेस, आगे मैं आपको बताऊंगा। और आज का सफर होने वाला था हमारा इंदौर एक्सप्रेस से, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही बनकर चलती है। काफी अच्छी फैसिलिटी थी, हमारी स्लीपर थी। बाकी वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी, इसकी टाइमिंग सब कुछ बताया है। हर हर महादेव, जय महाकाल। और फाइनली हम पहुंच गए नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। और हमारे कुछ साथी थोड़ा सा लेट है, क्योंकि दो वो हमने बोला कि दो आप आ जाओ एक एक करके, और प्रियंका मेरी बहन और हम एक साथ आ गए। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो जैसे मैंने बताया 9:50 की है, जैसे 21:50 की मतलब। और हमें मॉर्निंग में वहाँ उतार देगी वो आपका लगभग 8:20। बाकी अभी यात्रा करते हैं और आपको ट्रेन के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा उज्जैन वाली की। जय महाकाल। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और आप लोग देख सकते हो नई दिल्ली से ही बनकर चलती है ये इंदौर एक्सप्रेस, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी हुई है ये। और अभी देख सकते हो हम भी बैठेंगे अंदर, तो अंदर का भी आपको दिखाएंगे। और बात ये हुई है कि दो टिकट कंफर्म हुई है, ट्रेन के अंदर हम घुस चुके हैं। और आप ये देख सकते हो जो स्लीपर तो आपको इस तरह की दिखेगी, और खिड़की आप इसकी देख सकते हो, और चार्जर पॉइंट ये रहा, और 3 सीट होती है ये, 1, 2, 3, ये देख सकते हो आप। और वो रही मेरी बहन प्रियंका। जय महाकाल। पंखा तो बंद कर दे। भाई ट्रेन के अंदर हम घुस चुके हैं और अब अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। जैसे कि बताया, दुख की बात है, 4 बंदे हैं, 2 सीट है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और लड़कियां अपने साथ हो जाएगी, और अजय भाई मैं हो जाएंगे, और प्रियंका और उसकी फ्रेंड हो जाएगी। और अंदर जो ट्रेन है आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाई है, और हमारी स्लीपर है। और अभी जो टाइमिंग है 9:50 की है, और हमें उज्जैन ये उतारेगी 8:20, 10-15 मिनट थोड़ा सा आगे हो सकता है वो जो कोहरा होता है उसके कारण। बाकी एग्जैक्ट टाइम तो उसका 8:20 है, और ट्रेन हमारी स्लीपर है। और जो प्राइस हमारा एक साइड का 410-420 के करीब है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने पहले वीडियो में सब कुछ बता दिया है। और हमारी जो है ये पीछे पीछे बोल रही है वो इंदौर वाली है। अजय भाई अपने आ चुके हैं, भाई बहुत लेट हो आप। जय महाकाल। कोई नहीं भाई, टाइम टाइम पे आ गया ना, बहुत सही है भाई। भाई टाइम देख, टाइम कितना हो रहा है अभी, तो आए आधा घंटे। भाई सर्दी का टाइम है तो सोचा एक चाय पी जाए। और बहन के साथ, इस बहन के साथ सफर करना बहुत मुश्किल है, ये पागल हो जाती है। तो मैं तो कहता हूँ, भाग्यशाली होता हूँ कि यही मुझे लेके आई है महाकाल के दर्शन करवाने के लिए। भगवान किसी न किसी रूप में आया था, पहले हाँ ना ना, अब हाँ हो गई है। तो जय महाकाल। प्रियंका बहन कुछ कहना चाहेगी अपनी मम्मी के लिए, और इसकी मम्मी ने बहुत अच्छे परौंठे बनाए हैं, कुछ बोलनी चाहेगी मम्मी को? जोड़ की बोल। मेरी मम्मी ने मेरी बहुत केयर की और मुझे ना बिस्किट दिए बना के। बट तेको कभी देख के लगता नहीं कि तू मम्मी से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। भाई दिखाया थोड़ा जाता है किसी को, नहीं मैंने ऐसे बस लड़ाई में भी प्यार है। सेवाराम जी की, सेवाराम जी को मिस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा। सेवाराम जी तो भाई सेवाराम जी बने हुआ, कहते फोन मिला दे एम्ब्रॉइड एप्पल दिलाऊंगा उनको ना। महाकाल। तो फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है, और अजय भाई से बहुत दिनों बाद, मतलब 1.5-2 साल बाद मुलाकात हो रही है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं भाई जाने के लिए, आप लोग फर्स्ट टाइम ले जा रहे हो। तो अजय भाई अपना कुछ परिचय दीजिए आप। ये भाई सैफ है, और भाई कुछ बोलना चाहोगे? सब कुछ मैं बोलूंगा, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बट फुल एक्साइटेड हूँ भाई, मजा आ जाएगा महाकाल की। महाकाल। ये हमारा खाना रेडी हो चुका है, वो ये देखो अजय भाई लेके आए हैं। कुछ और भी है, आलू, ये हमारी चावल है, ये हमारी रोटी है। हलवा लाया कोई? नहीं भाई, हलवा बोल रहा हूँ मैं। भाई ये देख सकते हो एक कीड़े ने क्या कर दिया, ये देखो, ये देखो, देख अब मेरे वाला देखो। ये देख रहे हैं, भाई फाइनली हम रुक गए हैं नागदा स्टेशन, और आप देख सकते हो। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30,
और रात भर हमारे अजय भाई सोए नहीं, मैंने तो नींद दबा के ली और कोई भी स्टेशन नहीं रुका, मैं दबा के सोया। मैं 2 घंटे हमारी ट्रेन लेट है, अभी नागदा है, इसके बाद उज्जैन है और लगभग यह है कि हमने पहुँचा देगी 9:30 के करीब। और वो देखो, आ जा बाहर, आ जा, चाय पिएगी। पिट मार चुकी है प्रियंका बहन, रात को बहुत सारे पाद मारे ने सुनाया भाई। ये नागदा स्टेशन है और इसके बाद हमारा उज्जैन है। और अभी हमारा जो सफर है बहुत अच्छा जा भी रहा है, नहीं भी जा भी रहा है, क्योंकि भाई इसने सड़ा सड़ा के बुरा हाल कर रखे है। अजय भाई कैसा सफर रहा आपका? मेरा बहुत बेकार भाई। अजय भाई बिल्कुल भाई देखो भाई अजय भाई ना आर एल सी जो सीट होती है ना वो 2 जगह होती है, मतलब एक अंदर एक उसके बीच में से ना वो आता है, छेद हो जाता है वो चार बन जाती है। तो भाई मैं तो देखो पूरा सोया, दबके सोया, अजय भाई सोए, आज रात को अजय भाई सोएंगे, मैं आज रात को चौकीदारी कर लूँगा। ठीक है अजय भाई, माधवी को बुला ले। फाइनली हम पहुंच गए उज्जैन, वो आप देख सकते हो भक्तों की भीड़। जय महाकाल, सब फाइनली पहुंच गए हम। और ये प्रियंका की, प्रियंका कैसा सफर रहा आपका? माधवी दबा के पाद मारे यार, तुम ये डायलॉग ही पकड़। हेलो गाइस, ये वाला ये बोर्ड करे। और हेलो गाइस, हमें उतार दिया गया। तो भाई फाइनली हम जो उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं और हमारी गाड़ी लगभग आपका 1 घंटा लेट है, 8:20 में उतरनी चाहिए थी और 8:20 नहीं 10 बजे हमें उतारा गया। तो अब जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। और अभी आपको बताएंगे रिक्शा लेंगे, वहाँ भी बताएंगे प्राइस बताएंगे। आप उज्जैन रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे और जिनका इनका प्राइस होगा 20 रुपये, इनका प्राइस होगा मंदिर तक पहुंचने के लिए। कॉरिडोर के पास आपको ये छोड़ेंगे, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। हर हर महादेव। वीडियो यहाँ तक कहता और अब टाइम हो गया जाने का, दर्शन करने का। एक ब्लॉग और आएगा उज्जैन दर्शन ज्योतिर्लिंग का, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करके उज्जैन आ सकते हो इस ट्रेन के द्वारा। जय महाकाल।